कल उत्तरी सिक्किम दे विच वापरे सड़क हादसे दे विच 16 नौजवान शहीद होए, जिथे बीते दिन ही उत्तरी सिक्किम दे विच हादसे दे दौरान 16 नौजवान शहीद होए हन, उत्थे ही एक नौजवान पंजाब दे पठानकोट पिंड नाजोवाल दा रहण वाला सी। इह खबर उस सामने आई जदों पिंड च खबर फैल गई कि उन्हां दे घर दे विच सोग दी लहर पैदा हो गई। फौज दे विच भर्ती होए बच्चे नूं 17 साल हो गए सन। दस दिए कि तीन भैणां दा इकलौता भरा सी, ओंकार सिंह उन्हां दा नाम सी। बहुत बड़ा हादसा भारतीय सेना के साथ घटा है। सिक्किम में हमारी भारतीय सेना के जो 3 JCO 16 जवान जो है, एक बहुत गहरी खाई में उनका एक वाहन गिर गया, जिसमें से हमारे 3 JCO समेत 16 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, और जिनमें से हमारे शहीदों की जन्मभूमि जिला पठानकोट का एक वीर सपूत, गांव नाजोवाल का नायब सूबेदार ओंकार सिंह भी शामिल था। दुखों का पहाड़ टूटा है परिवार पर, क्योंकि माता पिता के इकलौते बेटे थे, 3 बहनों के इकलौते भाई थे, परिवार में कमाने वाले एकमात्र परिवार का सहारा था। लेकिन आज इस गांव नाजोवाल में शोक की लहर व्याप्त है, हर आंख नम है, और सेना के सूत्रों के हवाले से यह है कि कल दिल्ली से एयरलिफ्ट करके उनकी पार्थिव देह को पठानकोट लेके आया जाएगा, जहाँ पे इस गांव में उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। देखा जाए कि हमारे ये वीर सैनिक किन कठिन हालातों में अपनी ड्यूटी देते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। 4 साल का बेटा है नायब सूबेदार ओंकार सिंह का, बड़े ही लायक थे, 2 बार ऑफिसर का टेस्ट भी दे चुके थे, मात्र इंटरव्यू में भी थोड़े नंबरों में रह गए, और बड़े मिलनसार थे। और आज इस गांव नाजोवाल की हर आंख नम है, किसी का दोस्त चला गया, किसी का भतीजा चला गया, और ईश्वर ये दिन किसी को ना दिखाए। माँ और बहनों का रो रो के बुरा हाल है। कितने भाई बहन थे? ये इकलौता भाई था, 3 बहनें हैं, माता पिता का इकलौता बेटा था। और परसों 8:30 बजे माँ को ये फ़ोन करता है कि माँ मैं आगे फॉरवर्ड पे जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। तो माँ ने कहा कि बेटा माँ ठंड बहुत है, नहाना मत ज़्यादा, सर्दी ना लग जाए तुझे। कहता नहीं माँ, ड्यूटी है, ड्यूटी पे तो जाना ही है। लेकिन ऐसा ड्यूटी पे गया, फिर लौट ना पाया। वाइफ ही उनकी वहाँ पे ही है, उनका एकमात्र 4 साल का बेटा है। तो लगता नहीं सदमे से परिवार उभर पाएगा, लेकिन मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद से इस शहीद परिवार को ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये संस्था इन्हें टूटने नहीं देगी, इन्हें बिखरने नहीं देगी, इनका मनोबल बढ़ाएंगी और इन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा करेगी। तो जी ओंकार सिंह जिन्हों का छोटा नाम ही काका, प्यार नाल बहुत वधिया ही आपां कट्ठे पढ़े हाँ, खेडे हाँ, तो साडा भरा होनहार ही जिहड़ा आर्मी चला गया, तो पूरे पिंड नूं इन्हां ते बुरा माण सीगा कि यार मुंडा बहुत वधिया, कोई नशा पत्ता नहीं, कुछ नहीं हैगा, तो बहुत ही वधिया ही उन्हां नूं जिहड़ी इन्हां दी शहीद की खबर मिली है, उहदे नाल पूरा पिंड जिहड़ा बड़ी नम अखां नाल, मतलब कि सारे आंढ गुआंढ की पूरे पिंड दा ही जिहड़ा एक कमर टुट गई साडी सारियां दी। बहुत वधिया लास्ट टाइम हुण जदों मुंडा गया ही अपने शहीद अपना ओंकार सिंह, तो बहुत वधिया जी फोन पर गल हुंदी रहिंदी, हुण काफ़ी देर हो गई गल होए नूं, तो चलो बहुत वधिया सीगा, तो सानूं बड़ी पूरे परिवार नूं कि पूरे पिंड नूं जिहड़ा बड़ा सदमे दे विच जा रिहा, इकलौता सीगा, बाकी सानूं बंदे दी बहुत कमी जिहड़ी आ ना, जिहड़ी पूरी उम्र ही सानूं जिहड़ी कमी रहनी इस बंदे दी। सानूं ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਡੇਲੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਵਿੱਕੀ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ,